बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की, वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है, ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। गुलाम नबी आजाद का एक बयान राहुल गांधी को लेकर सामने आया है, जिसके बाद जी हां हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। अपने दर्शकों को बता दें, गुलाम नबी आजाद का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जैसा किया उसका ही फल वो भुगत रहे हैं। ये वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जो बीते कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाना, क्या ये संकेत देता है कि गुलाम नबी आज़ाद का रास्ता अब BJP की तरफ जाने वाला। जी हां, चुनाव स्तर पर है और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद को एक ऐसी पार्टी का साथ चाहिए जिस पार्टी के सहारे वो अपना आगे का राजनीतिक करियर तय कर सके। हालांकि नई पार्टी बनाई लेकिन उसका कोई फायदा दिखता नजर नहीं आया। अब ऐसे में BJP की तरफ जिस तरह से देख रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, तो क्या BJP में एक बड़ी जिम्मेदारी आज़ाद को मिल जाएगी। अपने दर्शकों को ये बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने बीते कुछ वक्त पहले अमित शाह से मुलाकात की थी, हालांकि उस मुलाकात पर उन्होंने ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि गुलाम नबी आज़ाद BJP की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बात करते हुए भावुक हो जाते हैं, उनके आंसू छलक जाते हैं, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि आज़ाद का रास्ता क्या आने वाले वक्त में BJP की तरफ रहेगा। अब आज़ाद अगर BJP में रहकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वाकई कांग्रेस आज़ाद पर हमला करेगी। आज के लिए तो ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।